किस किस प्रोग्राम किया है और नीचे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर मैं गाइड करूंगा अच्छा कुछ टिप्स भी ऐसी मैं दूंगा कि आपने उन टिप्स को याद रखना है कि क्योंकि कुछ गलतियाँ आप वीडियो, जो है वीडियो स्किप करोगे तो कर सकते हो और इन फ्यूचर आपको जब डिग्री मिलता है टाइम होगा तो आपको इश्यू फेस करना पड़ सकता है इसलिए मैं कंप्लीट ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद लिंक को ओपन करोगे क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक करोगे दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं या तो ईमेल आईडी दो या फ़ोन नंबर दो और यहाँ पर पाए अब इसमें और का लफ्ज़ आपने अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों लिख रहे होते हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों लिख रहे होते हैं तो उन्हें एक सम टाइम जो है वो इशू फेस करना पड़ सकता है अच्छा इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको इंटर कर देते हो तो चौबीस घंटे के अंदर अंदर बारह घंटे के अंदर अंदर ख़ुद ब खुद सिस्टम आपका अकाउंट एक्टिव कर देगा ठीक है यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अगर मोबाइल नंबर कन्वर्टेड है तो देने की जरूरत नहीं है क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करो अकाउंट के बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो आपको एक ईमेल भेज दी गई है ठीक है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ई मेल हैज बिन सेंट ठीक है अब आपने क्या करना है अपनी ईमेल आईडी पर वेट करोगे ये एक फॉरन मेल आई है मैंने इस मेल पर क्लिक किया है तो यहाँ पर एक लिंक दिया होगा आपने अपनी जी मेल ई मेल जो भी आपकी मेल होगी आपने वो ओपन करनी है ठीक है और जो है उस मेल को ओपन करने के बाद आपके सामने एक लिंक शो होगा ये आ रहा है ठीक है अब इस लिंक पर आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है ठीक है चाहो तो इसको भी कॉपी करके ओपन कर सकते हो ठीक है अब जैसे मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सक्सेसफुल का मेरे सामने अभी मैसेज शो हो जाएगा ये देखें ये सक्सेसफुल हो गया और इसके लॉग के बटन पर क्लिक करूँगा क्या करूंगा यहाँ पर ई मेल और यहाँ पर पासवर्ड देखकर लॉग के, के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने दो ऑप्शन अवेलेबल हैं एक आ जाएगा ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन और फेस टू फेस अगर आपके सामने इस तरह का व्यू ना हो तो गूगल प्रॉम पर इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू के ऑप्शन पर सिलेक्ट करोगे तो वो आपके सामने वो आ जाएगा फेस टू फेस बेटा क्या चीज है फेस टू फेस ये होता है कि आपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जो क्लासेस लेनी होती हैं वो होती हैं डिस्टेंस क्या होता है बेटा डिस्टेंस ये होता है कि आपने जो के घर पे बैठे बैठे क्लासे लेते हो इसके लिए रेगुलर क्लासेस लेने की जरूरत नहीं होती ठीक है एलिजिबिलिटी से मुराद ये होता है कि इसके लिए कौन कौन बंदे ये काम कर सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप ये कर, ले सकते हो ठीक है अब यहाँ पर जो स्किल कोर्सेज हैं उनके लिए आपके सामने ये आ रहा है स्किल कोर्स ओ डी एल को छोड़ दोगे आप ठीक है एच एस एस सी जो है ये एफ ए ए मैं इनसे कहूंगा कि इसको एफ ए कर दें ठीक है स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए आपका ये लिंक होगा जिसमें सर्टिफिकेट लाइब्रेरी कोर्सेज है और मैट्रिक के लिए आ, जो है ये सर्ट एन सर्टिफिकेट कोर्स मैट्रिक के बाद है ठीक है और मैट्रिक के लिए ये होगा एसएससी एस सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसको मैट्रिक कहते हैं बी के लिए ये कोर्स होगा ये लिंक होगा बी एड ईयर के लिए बी के लिए जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं और बी एस ईयर के लिए ये वाला लिंक होगा बी ए बी एस के लिए बी बी ए वगैरह के लिए ये वाला लिंक होगा एसोसिएट डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिनरी विद एटलीस्ट सिक्सटी क्रेडिट और यानी कि बी एड टू पॉइंट फाइव ईयर के लिए जो होगा वो टू ईयर के लिए ये वाला लिंक होगा टू पॉइंट फाइव ईयर के लिए ऊपर वाला होगा ठीक है इसी तरह एम ए एमएससी की एम ए एमएससी वैसे हो रहा तो नहीं है एम एड वगैरह इन्होंने वैसे लिख रखा है लेकिन सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए ये वाला लिंक होगा पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एम ए के अबव जो होगा उसके लिए ये वाला लिंक होगा अभी यहां पर जस्ट मैं आपको बी ए का दिखा रहा हूँ लेकिन आप जो है वो मैट्रिक एफ ए के लिए भी सेम एज इट इज कर सकते हो ठीक है बी ए जिसको एसोसिएट डिग्री कहेंगे एडी कहेंगे इसका मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ठीक है आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और आपने सेलेक्ट के बटन पर सेलेक्ट प्रोग्राम के बटन पर क्लिक करना है ठीक है अब ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया ठीक है अब अगर तो आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर नहीं कोई ऑप्शन शो हुआ जो कि आपका होना चाहिए तो अप्लाई न्यू के बटन पर क्लिक करके फर्दर ऑप्शन अपनी सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है आपने इसके ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है अब ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था मैंने बीए के लिए अप्लाई करना है अब इसमें क्या कह रहा है लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि मेरी जो लास्ट डिग्री होगी मैंने वो सिलेक्ट करनी है अब इसमें तो डिग्री ही होगी मेरे डिप्लोमा तो नहीं है और मेरी जो है वो मैंने 12 साल बी एफ ए किया हुआ तो 12 साल होगी अगर आप बी ए कर रहे हो एम ए कर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बी ए होगी इसी तरह अगर आप एफ ए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक होगी ठीक है तो मैं एफ ए लिख देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं एफ ए जनरल एफ ए ही कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बोर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग ईयर अच्छा इसमें बहुत से बच्चों को इशू होता है कि स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग डेट क्या है तो सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट देखा करो जैसे आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो लिखी होती कौन सी लिखी होगी आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखी होगी सितंबर तो दो साल पहले कर लो सितंबर से तो तब आपका ये डिग्री जो है वो समझो स्टार्टिंग डेट है डिग्री शुरू होने की जैसे दो है उसके बाद आप कितने साल बाद आपने शुरू किया यहाँ पर मैं चलो ये रोल नंबर लिख लेता हूँ ये एनअल सिस्टम के जरिए मैंने दिया मार्क्स लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2000 नंबर ठीक है ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं बाकी आप लोगों ने इसको खुद करना है अब ये याद रखना यहाँ पर ये यह वीडियो में बात नहीं होगी अगर जब तक यहाँ पर सेकंड डिवीजन आ रहा है या फर्स्ट डिवीजन आ रहा है आप अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अपने मार्क्स को इंप्रूव करोगे सेकेंड डिवीजन ओवरऑल एकेडमिक कैरियर पर होगी आपकी ठीक है सेव के बटन पर क्लिक करोगे अच्छा उसके बाद अगर आपकी थर्ड डिवीजन है किसी भी डिग्री में तो कोशिश ये करना 45 परसेंट से अगर कम नंबर होंगे तो वो थर्ड डिवीजन होती है तो आपने किसी भी जगह अप्लाई करने से पहले पिछली डिग्री को इम्प्रूव किया करोगे अच्छा अब हमारा मैक्सिमम अकाउंट क्रिएट हो चुका है टेन परसेंट एप्लीकेशन कंप्लीट है मैं जो है प्रोग्राम के बटन पर क्लिक करूंगा ठीक है यहाँ से मैंने प्रोग्राम के बटन पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर अब वो जो स्टार्टिंग वाला ऑप्शन था वो मैंने अगेन इस पर क्लिक किया अब यहाँ पर मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे बीए आर्ट्स बीकॉम कॉम और ये सारे कोर्सेज़ मेरे सामने शो हो रहे हैं ठीक है जिसके लिए अप्लाई करना है अब इसमें सबसे पहले मैंने किसके लिए कर रहा था मैं बी के लिए आर्ट्स के लिए कर रहा था इसको प्रोग्राम को सेलेक्ट करके मैंने एड टू लिस्ट कर देता हूँ ठीक है जैसे मैं ऐड टू लिस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ ये कोर्स ऐड हो गया है ठीक है यहाँ पर बी ए आर है इसको मैं सेव एंड सेक्शन पर क्लिक करता हूँ ठीक है सेव सेक्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद इसका अच्छा ऑनलाइन का याद रखना फायदा ये होता है कि आपका एडमिशन जल्दी कन्फर्म होता है आपको किताबें जल्दी मिल जाती हैं ठीक है नाउ यू हैव सीन एक हमारा ऑप्शन सिलेक्ट हो चुके एक जो है वो कम्पलीट हो चुका है अब हमारा सेकेंड वो काफी देर वेट ना करना पड़े इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके डाटा फीड कर लिया सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन नंबर अगर तो आप इलामकबाद ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका ओल्ड होगा वो यहां पर दे सकते हो लेकिन सम टाइम यहां पर एरर आ रहा होता है तो इसको अगर आपका नहीं भी इंटपुट हो रहा तो लीव इट ब्लैंक दूसरा अपना नाम अपना लास्ट नेम ये आपका लास्ट नेम सुत अबू का नाम है जो कि फादर फादर नेम भी इसको नहीं कहेंगे आपका कंप्लीट नेम का आधा हिस्सा ऊपर लिखो और आधा नीचे लिख दो जेंडर आपका जो भी जेंडर हो जो कि वालदेन से आपको मिला है वो आप यहाँ पर टिक करोगे मैरिटल स्टेटस जो है वो अगर आप सिंगल हो शादीशुदा हो जो भी है वो इनको बताओ ताकि आपको बाद में रिश्ते की ज़रूरत पड़े तो इलामीकबाला ओपन यूनिवर्सिटी में जो है वो कोई हेल्प आउट कर सके अच्छा उसके बाद आ जाती है डेट ऑफ बर्थ बेटा डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करोगे ठीक जेंडर जो है आपका वो आ जाएगा डिसेबिलिटी वगैरह है वो फर्द है फिर उसके बाद आ जाता है फादर इंफॉर्मेशन अपने अब वालद साहब की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है अलाइव है और उसके बाद कांटेक्ट नंबर फादर का ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप देना चाहो आप दे सकते हो अच्छा अब आ जाती है दूसरी इन्फॉर्मेशन गार्डियन की गार्डियन समाइम तक अगर वाले साहब का इंतकाल हो जाए और कोई और आपका गार्डियन हो यानी कि आपकी घर के बार में हेल्प आउट कर रहा हो तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है ठीक है अगर नहीं है तो इसको सेम एज ए अबव अच्छा उसके बाद अपना कंट्री और शनाख्ती कॉड नंबर अब बेटा एक चीज़ उन्होंने सिस्टम अपडेट किया याद रखना कि जब आपने एक दफ़ा एक शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ डेटा एंट्री कर दी जो आप कोई भी ईमेल आईडी इस्तेमाल कर लोगे उसी शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए आपका डाटा फीड हो रहा है ठीक है तो यही इन्फॉर्मेशन थी उसके बाद फर्दर जो है आपने गलती नहीं करनी अपनी ये इन्फॉर्मेशन फीड करने में अच्छा परमानेंट एड्रेस में आ जाता है आप पाकिस्तान के किस हिस्से में हैं पंजाब उसके बाद लाहौर उसके बाद तहसील आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा आपका और फर्दर फिर एरिया आ जाएगा आपका रूरल एरिया या अर्बन है पोस्टल कोड वगैरह आ जाएगा मेलिंग एड्रेस अच्छा पोस्टल एड्रेस और मेलिंग में डिफरेंस हमेशा मैं बच्चों को बताता रहता हूँ वो ये है पोस्टल से मुराद परमानेंट एड्रेस से होता है कि जो आपका जहाँ पर परमानेंट आप रहते हो मेलिंग से मुराद ये, होता है ये किसी शॉप वगैरह का आप दे सकते हो जहाँ से आपको किताबी शताबें मिल सके ठीक है उसके बाद डोमिसाइल की इंफॉर्मेशन आ जाती है अब याद रखिएगा कि जो पोस्टल और मेलिंग एड्रेस है मेलिंग एड्रेस यही आपका कंसीडर होगा अपने बाद में ये चेंज करवा सकते हो लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएंगी इसलिए याद रखिएगा जो सेंटर आपका होगा इलाके का सेंटर होगा इसके लिए आपने पहले से सोच के यही करना है ठीक है उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर है और आपकी ई मेल है वो यहाँ पर देके इसके सेव के सेक्शन के बटन पर क्लिक करोगे ठीक है अब आपका होप्स वो सेकेंड सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें अब वो मुझे कह रहा है कि हाईलाइटेड मैंने कोई चीज़ मिस कर आउट कर दी है ज़रा चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो रह गई है पासपोर्ट नंबर आई थिंक सो वो मांग रहा है सॉरी वो पासपोर्ट नंबर नहीं मांग रहा था वो कि ये कह रहा था कि आपका मिलिंग एड्रेस और ये सेम है तो आपने इसके ऊपर जो है अगर तो सेम हो आपने मिलिंग और ये तो आपने इसके बटन पर क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला डाटा कॉपी कर लेगा ठीक है और इसके सेव सेक्शन के बटन पर क्लिक करते हैं आप अब, अब देखते हैं कि ये सेव होती ओ सॉरी इसको चेक करना भूल गया मैं तो, न, एक तो ये समाइम कभी कभार जो है ना ये मैं जल्दबाजी में कर रहा होता हूँ तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है इस, चलें इस पे टिक करते हैं और इसको सेव के बटन पर क्लिक करते हैं इन इस दफा सेव हो जाएगा सेव हो गया ठीक है हमारा दूसरा ऑप्शन भी सक्सेसफुली सेव हो गया अब तीसरा ऑप्शन रहता है एकेडमिक रिकॉर्ड का एकेडमिक रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड आपका रेडी शो हो रहा होगा और इसमें अब वो तीन चीजें मांग रहा है एक मैट्रिक मांग रहा है एक मांग रहा है फोर्टीन ईयर अगर की हुई है अब मैंने जस्ट मैट्रिक ही ऐड करना है तो मैं ऐड रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करूंगा ठीक है फर्दर भी अगर आपसे वो डिफरेंट डिग्रीज मांगता है तो आपने वो देनी है अब डिग्री ठीक है एफ की मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इसको तो मैं टेंथ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से मैं बोर्ड मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से मैंने आर सेलेक्ट कर लेता हूँ ये तो मैं रैंडम कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने एप्टाबाद बड़ा आर से बात याद आया यार एप्टाबाद की बड़ी याद आ रही है अच्छा उसके बाद जो है वो बारह सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है वो चौदह सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से रोल नंबर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये उसके बाद एग्जामिनेशन में मैं एनअल सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है मार्क्स हो गया और यहाँ से मैं न एक हज़ार पचास कर लेते हैं टोटल ठीक है यहाँ से पाँच सौ बारह कर लेते हैं ठीक है सेकंड डिविजन बन गई है ये आप लोगों ने जो आपके एक्यूरेट होंगे आपने वही सेलेक्ट करने हैं ठीक है जैसे मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ही सारा डाटा मैं फीड कर रहा हूँ ठीक है ये यहां पर देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया ठीक है इसको अपडेट करना चाहो तो अपडेट भी कर सकते हो अगर कोई गलती हो गई है लेकिन इसमें अगर, अगर अपडेट बिल्कुल ठीक है तो इसको जो है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे एक बटन पर क्लिक करना है ठीक है अब विद इन फ्यू मिनट्स आपका ये ये सारा काम कोई इतना मुश्किल इनकी वेबसाइट नहीं है और जो है भी काफी हेल्पफुल होगी ये वीडियो लेकिन ये याद रखिएगा कि सम टाइम जो है वो अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अब अक्सर बच्चे मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर हमारा एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही नहीं तो हम क्या करें तो बेटा आप जिसका है भी सही उसने भी सेव कर बटन पर क्लिक करना है इसका आपकी जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है ये याद रखिएगा ठीक है इसको सेव के बटन पर क्लिक करके इसको हम सेव कर लेते हैं नेक्स्ट वेट करते हैं तो ये अब नेक्स्ट आ जाता है कोर्स इन्फॉर्मेशन की दैट इज़ द बिगेस्ट जो है जिस पर बहुत से बच्चों को इशू आ रहा है इसमें पता क्या चीज है इसमें आपको कोर्सेज दिखाएगा कि आया आपने कौन सी किताबें पढ़ोगे ठीक है तो आपने अब यहां से सिलेक्ट कर लेनी है जैसे मैं सोशलॉजी थ्री क्रेडिट की सिलेक्ट कर लेता हूं अब मेरी कितनी किताबें होगी एक दो तीन चार अब ये याद रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट भी आपने बना लेना है क्योंकि यही किताबें जो होंगी ये ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक करोगे सबसे पहले कि आप के एड कोर्सेज हो जाएं ये एड कोर्सेज हो गए ये देख रहे हो यहाँ पर अब यहाँ पर आपको टोटल फीस भी शो हो रही है कि कितनी फीस आपकी जो है वो बीए की बनी है ठीक है रजिस्ट्रेशन फीस भी इंक्लूडेड है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस सौ रुपए और एडमिशन फीस और ओवरऑल फीस आपको यहाँ पर शो हो रही है इसी तरह छह जो है सेमिस्टर फीस शो हो रही है इसके सेफ सेक्शन के बटन पर क्लिक करूंगा ठीक है आपका दूसरा सेक्शन भी कम्प्लीट हो चुका है अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो बेटा आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का ठीक है जिसमें आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपनी अपलोड करनी है सबसे पहले रिसेंट तस्वीर तस्वीर कोशिश की जगह क्लियर हो शिनाख्ती कार्ड की फ्र, फ्रंट और बैक जो फ्रंट होगी उसकी अपलोड करोगे डोमिसल की तस्वीर अगर है आपके पास अपलोड कर दो ठीक है याद रखना अब यहाँ पर फादर के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आप अपलोड करो मैट्रिक की करो एफए की करो और बीए की अगर बीए पहले से किया हुआ है तो अपलोड करोगे अब यहाँ पर एक ट्रिक का आपको मैं बताता जाऊँ बेटा याद रखिएगा कि जिसके साथ स्टार है ये लाजमी अपलोड करनी है जो डोमिसाइल अगर किसी का नहीं है तो अपलोड ना भी करे तो वो भी कर सकता है चले मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ तो अपलोड के लिए सबसे पहले चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें गैलरी में से जो फाइल सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट करें और इसको अपलोड ओपन के बटन पर क्लिक करें ठीक है अब फाइल यहाँ पर एड हो गई है ठीक है अपलोड के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो नॉट अपलोडेड है ये अपलोडेड मिशो मा शो हो जाएगा नाउ सी ये अपलोडेड के अंदर शुमार हो चुका है ठीक है उसके बाद मैं सेव के बटन पर क्लिक करूंगा सेव सेक्शन के बटन पर ठीक है अगर कोई नई फाइल आपके गलत फ़ाइल अपलोड हो गई है तो आपने उसी के बटन पर क्लिक करके उसको ओपन करके अब यहाँ से सारी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें कि आया आपका नाम उसके बाद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब कुछ करेक्ट है ठीक है और यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक और इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी इसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटर बनेगा ठीक है और आपकी वर्कशॉप्स होंगी तो आपने यहाँ पे आ, आल एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करना है और इसको मैंने कर देना है सबमिट ठीक है अब यहाँ पे क्या रहा है कि भाई सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा ठीक है तो ऑटोमेटिकली मेरा बी के लिए अप्लाई हो जाएगा ठीक है अब मैं जैसे ही बी के ये सबमिट के बटन पर क्लिक किया ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लोड ले रहा है यह भी जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये सबमिट हो चुका है जस्ट एक सेकेंड ही वेट करना पड़ा था अच्छा उसके बाद यहाँ से प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो ये आ जाता है चलान ठीक है अब चलान का स्टेटस अनपेड आ रहा है जैसे ही चलान पे करोगे तो ये यहाँ पर पेड लिखा हुआ और इसके बटन पर क्लिक करके हमने चलान डाउनलोड करना है उसके बाद चलान में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ चलान क्या चीज़ है ठीक है ताकि फर्दर भी आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ होगी अच्छा यहाँ पर ये चलान फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर ए डी बी ए जनरल ए डी पी आर्ट्स जो प्रोग्राम मैंने कहा था वो आ रहा है ठीक है चार हजार तीन सौ कुछ रुपए की फीस आ रही है पाँच हज़ार मैंने स्टार्ट में इसलिए कहा था कि लेट फीस उसमें शामिल थी ठीक है पाँच हजार तीन सौ लेट फीस के साथ आएगा वैलिडिटी डेट से मुरादी है तीस जो है वो मई तक इसकी वैलिडिटी है और ड्यू डेट क्या चीज है अब ड्यू डेट और वैलिडिटी डेट इसमें क्या फर्क होता है बेटा याद रखना अभी एडमिशन खुले हुए हैं ठीक है 16 अप्रैल तक अगर मैं ये चलान भर दूंगा तो मुझे चार हजार तीन सौ नब्बे रुपए भरने पड़ेंगे अगर मैं 16 के बाद 17 तारीख को भरूंगा तो मुझे पांच हजार तीन सौ नब्बे रुपए भरने पड़ेंगे ठीक है ड्यू डेट से मुराद ये होता है कि ड्यू का मतलब इस तारीख तक भर सकते हैं और उस तक ये वैलिड मतलब 30 मई तक ये वैलिड है उसके बाद यह नॉन वैलिड हो जाएगा अच्छा अब इसको भरने का तरीकेकार भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इसको पे करने के लिए जैस कैश ईजी पैसे यू पैसा के जरिए भी आप भर सकते हो और बैंक के जरिए भी आप पे कर सकते हो ठीक है मैं और ये आपका चलान नंबर होगा आपने जैस कैश ईजी पैसा से आपने एजुकेशनल पेमेंट्स के ऑप्शन स्टार सेवन एट सिक्स ठीक है जी या जो भी उसका कोड होगा वो उसके बाद एजुकेशनल पेमेंट और वहाँ पर आपने ये नंबर डालोगे तो उसके आगे फर्दर आपका जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि चार हज़ार तीन सौ नब्बे रुपये पे करें तो अपनी पिन एंटर करोगे और आप उसको फीस पे कर दोगे अगर बैंक के अंदर जाना है तो बैंक के अंदर भी इसी तरह इसको प्रिंट कर लोगे और बैंक में ये फ़ीस पे कर दोगे ठीक है और बैंक में फ़ीस पे करने के बाद जो है जैसे किसी भी बैंक में आप जाते हो फीस पे कर देते हो ठीक है तो उसके बाद आपने इसी पेज को जैसे ही लॉग इन करोगे ठीक है आपके यहाँ पर स्टेटस में शो हो जाएगा वेरीफाइड जब जा, सॉरी पेड का और ग्रीन कलर में पेड का शो हो जाएगा पेड का शो होने का मतलब यह है कि आपका एडमिशन यानी कि एडमिशन पे हो चुका है आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को इलामिक इलामिकबा ओपन यूनिवर्सिटी कोरियर करवाने की ज़रूरत नहीं है ये एक प्लस पॉइंट है ठीक है बच्चे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार हमने डॉक्यूमेंट तो कर लिए अब वो हमारा जो है वो हमें पता कैसे चलेगा कि आपका एडमिशन हो गया है या नहीं तो आपने होम पेज पर आकर यहाँ पर चेक करना है यहाँ पर आपका वेरीफाइड कुछ अरसे में लिखा हुआ आएगा हफ्ता दो हफ़्ता तीन हफ़्ते बाद यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफ़ाइड का मतलब यह है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने देखी हैं ठीक है और वह सारी डॉक्यूमेंट ठीक है और अगर ना हुई ठीक कोई डॉक्यूमेंट जैसे आपने एफ़ए का रिजल्ट कार्ड अपलोड कर दिया जो कंप्यूटर से डाउनलोड किया होता है तो आपने क्या करना है आपने यहाँ पर क्लिक करके जो है वो जो बोर्ड से साइन किया हुआ रिजल्ट कार्ड होता है उसकी तस्वीर आपने यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन क्लिक आएगा यहाँ पर उसके ऊपर आपने अपलोड के ऑप्शन के ऊपर इसके पर मेरी वैसे फर्दर वीडियो है उस पर क्लिक करके उसको अपलोड करना होगा ठीक है जैसे ही आप उसको अपलोड करोगे यहाँ से क्लिक करके तो उसके बाद जो है वो कुछ अरसे में आपका ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगा इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको फीस रिफंड का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है अगर आपका फर्दर कुछ अर्से में दिल नहीं करता तो आप फीस भी वापस ले सकते हो लेकिन होप सो so, आपको जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा इसके बाद एडमिशन कंफर्म का कैसे पता चलेगा आपको जैसे ही आपके यहाँ पर वेरीफाइड आएगा उसके बाद फर्दर एक ऑप्शन आती है वो यहीं पर शो होती है उसके बाद कहते हैं मेट्रिकुलेशन करके कोई एक लफ्ज आता है ठीक है वो जब लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड शो हो जाएगा ठीक है लॉगिन और पासवर्ड आ गया मतलब ये पोर्टल आपका कंप्लीट हो गया ठीक है फिर वो जो जैसे ही लॉगिन पासवर्ड आपका आएगा तो आपने जो है वो फर्दर एक लिंक होता है जिसको कहते हैं कॉन्टीन्यू स्टूडेंट का लिंक ठीक है कॉन्टीन्यू स्टूडेंट के लिंक पर क्लिक करके आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है उस पर मेरी फ़र्दर वीडियो है जो सी एम एस से रिलेटेड होगी इनशाला वो फिर मैं फ़र्दर आपके लिए मज़ीद वीडियो भी बना दूंगा सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी काइंडली अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको ड्यूरिंग एडमिशन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इलामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नहीं तो मेरे ए आई यू यू इन्फो चैनल पर कमेंट करके भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं अपने मेरे इस न्यू चैनल जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी या न्यू वीडियो इसके लिए को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा ठीक है कय